की ओपनिंग सेरेमनी लोहड़ी सेलिब्रेशन के साथ F2 रेसवे में ऑर्गेनाइज की गई। क्लब मेंबर्स में रेवड़ी, मूंगफली और गजक बांटकर लोहड़ी सेलिब्रेशन की शुरुआत की गई। इसके बाद विजेता ने सरस्वती वंदना से शुरुआत की, साथ ही क्लब के मेंबर्स से गिद्दा परफॉर्मेंस देकर लोहड़ी सेलिब्रेट की। सिटी लुधियाना एट F2 रेसवे वेयर नंदिनी क्लब ऑर्गेनाइजेज अ ब्यूटीफुल लोहड़ी फंक्शन। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, ब्यूटीफुल लोहड़ी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है और ब्यूटीफुल मुटियार्स यहाँ पे अपनी काफी परफॉर्मेंसेज लेकर आने वाले हैं, सरस्वती वंदना, गिद्दा एंड मैनी मोर। तो चलिए एंजॉय करते हैं नंदिनी लेडीज क्लब के लोहड़ी फंक्शन को। फंक्शन इज गोइंग ऑन, तो अभी अभी उनकी एक स्टेज परफॉर्मेंस हुई है सरस्वती वंदना, और बहुत ब्यूटीफुल मुटियार्स हमारे साथ खड़ी हुई हैं। तो चलिए आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। हेलो मैम। हेलो, वेलकम टू टाइम्स पंजाब। थैंक यू। हेलो मैम। हेलो। तो मैम सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, अभी जस्ट हमने देखा कि आप सरस्वती वंदना परफॉर्म करके आए हैं, तो आप ये बताइए कि आपके माइंड में कैसे आया कि सबसे पहले आपने एक डिवोशनल सॉन्ग से लोहड़ी फंक्शन की स्टार्टिंग करनी है। एक्चुअली जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, किसी भी चीज़ की, कोई फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, एनीथिंग, हम हमेशा भगवान को याद करते हैं। तो गणेश जी हों, सरस्वती जी हों, किसी भी रूप में हम भगवान का नाम लें, तो वेल एंड गुड। ये हमारे क्लब का फर्स्ट लोहड़ी फंक्शन था, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम सरस्वती जी को याद करके सरस्वती वंदना से हम स्टार्ट करेंगे, तभी हमने फर्स्ट ये हमारी परफॉर्मेंस। दैट्स ग्रेट मैम, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो इसकी प्रिपरेशंस में आपने कितने दिन अपने स्पेंड किए? इसके लिए मैं सीरियसली बताऊं तो मुझे सिर्फ हार्डली एक या दो दिन मिला, बस दैट्स इट। बाकी हमने गिद्दा पहले से हम कर रहे थे, सरस्वती वंदना के लिए हमने किसी बेबी को करा था, बट शी इज़ नॉट वेल, तो फिर मुझे करना पड़ा, इसलिए हमें बहुत कम टाइम मिला, बट जो हो गया वो वेल एंड गुड। दैट्स सो स्वीट मैम, वापस आते हैं आपके पास। तो चलिए मैम, आप यहाँ नंदिनी क्लब की तरफ से लोहड़ी के फंक्शन में आए हैं, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि लोहड़ी का फेस्टिवल मेन मनाया क्यों जाता है? लोहड़ी का फेस्टिवल एक्चुअली जो है वो हमारे पंजाबी सभ्यता का सबसे मेन फेस्टिवल है, और ये हमारा एक नया साल भी होता है पंजाब के लिए। सो उसी के हिसाब से पंजाब के लिए मेन फेस्टिवल है, तो हम गिद्दा परफॉर्म कर रहे हैं इस पर लोहड़ी के लिए। वेरी गुड। तो मैम आप ये बताइए, चलिए हम आपसे पूछते हैं कि मैं आपको एक चार नाम बताऊंगी, उसमें आपने एक नाम को एनलाइटन करना है कि उस लोहड़ी के फंक्शन में वो स्वीट कौन सी यूज़ नहीं की जाती। दैट्स तिल, गुड़, शक्कर एंड गज्जक। शक्कर। दैट्स सो गुड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो चलिए मैम आपके पास आते हैं, आप क्या परफॉर्मेंस देने वाले हैं आज या नंदिनी क्लब को? आज हम सब गिद्दा डालने वाले हैं, क्योंकि लोहड़ी है ही पंजाबी कल्चर से रिलेटेड, तो उसमें गिद्दे के बिना तो लोहड़ी का मज़ा ही नहीं है, बोलियों के बिना तो लोहड़ी मनाने का कोई मज़ा नहीं है। तो चलिए मैम आप ये बताइए कि लोहड़ी कहते हैं ना, हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं तो वो किसी ना किसी गॉड को डेडिकेटेड किया जाता है, तो आपको क्या पता है कि लोहड़ी किस गॉड को डेडिकेट की जाती है? नहीं शायद। आपको आइडिया है? आपको आइडिया है मैम? प्रहलाद? नो। किसी को आइडिया है कि कौन से गॉड को डेडिकेट की जाती है लोहड़ी? दैट सन, सूर्य भगवान को, सूर्य भगवान को डेडिकेट की जाती है। तो मैम आपके पास आते हैं, आप बड़े स्वीट लग रहे हैं, सबसे टॉल हैं और सबसे, आई थिंक यहाँ पे जितनी भी जनरेशन गैप हमें दिख रही है, आप सबसे बड़े लग रहे हैं हमें, तो गॉगल्स के साथ, स्वैग के साथ आप यहाँ खड़े हैं, तो क्या परफॉर्म करने वाले हैं आज आप? गिद्दा। गिद्दा, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, इससे पहले भी कि आप स्टेज परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं? स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम के बाद आप यहाँ आ पाए हैं, इट्स अ सो लॉन्ग टाइम। हाँ जी, हाँ जी, बहुत टाइम से कर रहे हैं, कुछ अब पहली बार कर रहे हैं। अब पहली बार, तो कुछ नर्वस? नहीं, कोई नर्वस नहीं है, बिल्कुल नहीं। इतनी ब्यूटीफुल मुटियार्स आपके साथ हैं, तो नर्वसनेस हो ही नहीं सकती। तो चलिए मैम आप बताइए कि
लोहड़ी में हम जो एक गाना गाते हैं तो उसमें किसको हाईलाइट किया जाता है? वो आपको पता है मैम, आप गाना, चलो आप गाना गा के दिखाइए, उसमें आपको सारे करण सुंदर मुंदरी वो मैम वो बाद में आप सबको एक साथ अच्छा, अभी अभी आप यही सॉन्ग पे बिल्कुल आप इसकी चार लाइनें सुना दीजिए। सुंदर मुंदरी है ओए तेरा कौन बेचारा दुल्ला भट्टी वाला, यहीं पे आपका पॉइंट आ गया दुल्ला भट्टी वाला, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू। तो मैम आप भी बहुत स्वीट लग रहे हैं, बहुत गॉर्जियस लग रहे हैं, आप भी गिद्दा परफॉर्म करने वाले हैं? यस मैम, यस। ओके, कितने दिन आपने परफॉर्म अपनी प्रैक्टिस की गिद्दे के लिए? अराउंड 5-6 डेज। 5-6 डेज। तो आप बताइए कि जब हम मेनली जो हम जैसे मैम ने बताया कि लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, मैंने भी बताया कि सन को मतलब वो किया जाता है, गॉड को पूजा जाता है, तो मेनली हम पंजाब में क्या चीज़ को वो करते हैं लोहड़ी को लेके, किस चीज़ को स्पेशली आजकल फोकस किया जाता है लोहड़ी के उस पे? हम क्या कहते हैं ये किसका त्यौहार है? लड़कों का नहीं जैसे, बट आज आज कंसेप्ट लड़की के लिए, में नया कोई बेबी आया हो उसका, लड़का लड़की कोई भी हो, मेन लड़कियों के लिए मनाया। अब हम कहते हैं धियां दा त्यौहार, धियां दा त्यौहार लोहड़ी। तो मैम आप बताइए कि लोहड़ी का फंक्शन जैसे अब आ चुका है, आप यहाँ फंक्शन में आए हैं, तो आप अपने घर पे क्या लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं? बिल्कुल। कैसे करते हैं? शाम को आग जलाकर फिर उसमें उसके सामने हम पूजा करते हैं, पूजा तिल करते डालते हैं, उसमें मूंगफली डालते हैं, इस तरह सेलिब्रेट करते हैं। आप भी आज गिद्दा परफॉर्म करने वाले हैं? हाँ जी। ओके ओके, तो अब आप सब ने एक साथ, ओके ओके, हेलो हेलो, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी, थैंक यू। तो अब सबने तो आंसर दे दिया, चलिए आप ही बता दीजिए मेन लोहड़ी का फेस्टिवल। अब हम आपसे ये पूछते हैं कि पहले जो लोहड़ी का फेस्टिवल पंजाब में मनाया जाता था, बिकॉज इट्स अ मेन फेस्टिवल ऑफ पंजाब, और आज जो लोहड़ी मनाई जाती है, आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पहले मोस्टली लोहड़ी जो है जब लड़के होते थे तो उनके लिए सेलिब्रेट की जाती थी। टाइम्स हैव चेंज नाउ एंड देयर इज नो डिफरेंस एनीमोर एंड दे सेलिब्रेट लोहड़ी फॉर गर्ल्स एज वेल, सो इट इज अ बिग चेंज एंड विच इज वेरी नाइस। ओके, तो मैम आप ये बताइए कि पहले हम लोग कोई भी फेस्टिवल मनाते थे ना, तो वो बड़ा एक हम कहते थे कि दिल से फैमिली टुगेदरनेस, फैमिली इकट्ठी होती है, हम लोग घर पे बाहर बैठते हैं, बट आजकल वो चीज़ थोड़ी प्रोफेशनलिज्म की तरफ चली गई है, हर चीज़ का हम लोग आउटडोर मतलब फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है या पहले वाला टाइम वापस आना चाहिए? ऑफ कोर्स पहले वाला टाइम वापस आना चाहिए। मतलब आज आप यहाँ नंदिनी क्लब में आए हैं तो फिर इट्स अ सेपरेट थिंग, बट फैमिली गेट टुगेदर इज सेपरेट थिंग। मतलब इस चीज को आप मानते हैं कि फैमिली टुगेदरनेस भी डेफिनेटली होनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स। तो मैम आप बताइए कि लोहड़ी, जैसे हमने बताया कि पंजाब का मेन फेस्टिवल है, लोहड़ी के नेक्स्ट डे कौन सा फेस्टिवल आता है? माघी। माघी, उसमें क्या करते हैं हम? हम वो कहते हैं ना पो रिद्धि माघ खादी, तो वो एक तो हम खीर बनाते हैं, साग बनाते हैं, वो हम एक दिन पहले बनाते हैं, अगले दिन खाते हैं। और भी एक चीज बनाई जाती है, वो खिचड़ी ऑल्सो, जी जी। अब आप सब में से एक ब्यूटीफुल सी बोली कोई भी आगे आके सुनाइए प्लीज, एनीवन। ओके, कुंगरियां परांदे नू आख रही मैं जांदे नू, आख रही मैं जांदे नू, दे गेड़ा दे डोबा फुलकारी नू, दे डोबा फुलकारी नू, दे डोबा फुलकारी, दे डोबा फुलकारी नू, दे डोबा फुलकारी नू, दे डोबा फुलकारी नू, दे डोबा फुलकारी नू। हैप्पी होली।